से लड़कर जो नसीब बदल देते हैं, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। कल क्या होगा कभी थोड़ा मत सोचो, सितारे भी मेहनत देखकर किस्मत बदल देते हैं। वैदिक साधना आध्यात्मिक एवं ज्योतिष केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता की ओर से आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। धनु राशि वालों, हम चाहते हैं कि जीवन में हम जितना परिश्रम करें उतना ही फल हमें प्राप्त हो जाए, पर ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण अधिकतर ऐसा नहीं होता। कुंडली के कई दोष के कारण हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत अधिक परिश्रम करने पर भी उतनी अधिक सफलता हमें प्राप्त नहीं होती। धनु राशि वालों, हमारा प्रयास इसीलिए ही रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन का मतलब सुख और शांति के साथ समय व्यतीत करना होता है। दोस्तों, फरवरी में क्या आपके सपने पूरे होंगे? क्या आपकी इच्छा पूरी होगी? क्या वाकई में लौटेगा गुजरा कल? इसके लिए धनुराशि फल का वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, दिसंबर में सूर्य परिवर्तन के समय मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, 14 जनवरी से पहले देश में चमत्कारी रहस्यमय घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म देगी और आप देख भी सकते हैं। उत्तराखंड के जोशी मठ में जो भयानक रहस्यमय चीजें हो रही है और वह मेरी भविष्यवाणी को 100% सही साबित कर रही है। यकीन के लिए ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनु राशि का राशिफल फरवरी 2023 कैसा रहेगा। धनु राशिफल 2023 के अनुसार फरवरी में सबसे महत्वपूर्ण और गौर करने वाली स्थिति रहेगी तो वह आपके करियर जीवन को लेकर रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण आपके कार्य में पिछले कुछ समय से जो रुकावटें उत्पन्न हो रही थी या फिर आप बिजनेस व्यापार में सोचने समझने की शक्ति में जो परेशानी का अनुभव कर रहे थे वह पूर्ण रूप से खत्म होगी, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में आपकी बुद्धि को आपके निर्णय को तेज करेगा तो भ्रम की स्थिति से भी आपको पूर्ण रूप से बचाने वाला है। दोस्तों, जैसे ही 7 फरवरी से बुध ग्रह आपके देह भाव से आपके धन भाव पर पहुंच जाएंगे वैसे ही आपकी आमदनी में इजाफा होने लगेगा। नौकरी में आपके हाथ मजबूत होंगे, सहकर्मियों का सहयोग मिलने लगेगा। प्राइवेट क्षेत्र में जॉब कर रहे एवं सरकारी क्षेत्र के लोगों को भी इस वक्त जबरदस्त लाभ मिलेगा। यहाँ तक 7 फरवरी के बाद आप साझेदारियां और सहभागिताओं को फिर से शुरू करने की बात पर विचार करेंगे, उनका आपको काफी ज्यादा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, यदि आप नौकरी के अलावा कार्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, व्यवसाय या व्यापार करने की सोच रहे हैं तो वहां पर भी उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलने वाली है। धनु राशि के जो लोग काफी वक्त से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे उन्हें न केवल नौकरी प्राप्त होगी लेकिन आपको मान सम्मान जहां पर मिले उसी जगह पर काम करने का भी अवसर मिलेगा, क्योंकि एक तो जहां 17 फरवरी से ही आपके ऊपर से शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है तो शनि का सुप्रभाव भी आपके ऊपर पड़ने वाला है जिसके कारण आपको लगातार धन और सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, आप माने या न माने लेकिन फरवरी के ये पूरे महीने के दौरान आपके जीवन में संतुष्टि और प्रगति का एक शानदार दौर प्राप्त होने जा रहा है और यह आपके जीवन में नया सवेरा और रोशनी लेकर आएगा। धनु राशि के जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं, वह प्रसिद्धि चाहते हैं, उन्हें वह मिलेगी। जो लघु उद्योग मध्य उद्योग से जुड़े हुए हैं या कार्य कर रहे हैं और धन की आवश्यकता है उन्हें प्राप्त होगा। मार्केट में गोल्ड या फिर शेयर मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं, धन निवेश कर रहे हैं, वह भी मालामाल हो सकते हैं। धनु राशि वाले जो अपने भूमि भवन बेचना चाहते हैं या फिर घर स्थान का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें इस वक्त जबरदस्त लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह समय धनु राशि के हर विद्यार्थी, प्रेमी, व्यवसायी और व्यक्तियों के लिए लाभदायक रहने वाला है। जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो अभिनय कला से जुड़े हुए हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो ऑटो मोबाइल से जुड़े हुए हैं, जो परिवहन आयात निर्यात या फिर दूर संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी किस्मत को अपने सामने देखने के लिए भी तैयार रह सकते हैं।
क्योंकि प्रचार प्रतिद्वंदिता व दूसरों से होड़ करने में अब अग्रहणी रहने वाले हैं और वह सब अब अपने साथी सहकर्मी दोस्त व कर्मियों के साथ मिलकर करेंगे। धनुराशि वालों, जैसे ही 15 फरवरी से शुक्र ग्रह आपके पराक्रम भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, वह विदेश से संबंधित सुख लाभ प्राप्त करवाएंगे, परिवर्तन करवाएंगे, नौकरी में चेंज करवाएंगे, तो यह वक्त आपके लिए व्यापारिक यात्राएं भी करवा सकता है या फिर जो कंपनियों में बड़े स्थान पर स्थित है उन्हें सौदा करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है या फिर कहीं दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सूर्य ग्रह 13 फरवरी से आपकी कुंडली में धन भाव को छोड़कर पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे, वैसे ही पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा, भागीदारी में बेतहाशा वृद्धि होगी। यदि आपके सरकारी काम अटके हुए हैं वह भी पूर्ण होगी, बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका मिलेगा। तो जो खुद नौकरी छोड़कर नई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उन्हें भी एक मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करवाएं। दोस्तों, इस महीने में स्पष्ट देख रहा हूँ कि गुरु आपके चतुर्थ भाव में ही बैठे है, वह आप में एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे जिसके कारण कई चीजों को आजमाने की आपके अंदर तत्परता जागृत होगी। दिल के मामले में भी असाधारण गतिविधियों की बाढ़ लग जाएगी। आप प्यार पाना चाहेंगे, प्यार देना चाहेंगे, यहाँ तक आप माने या न माने लेकिन इस महीने आपकी दोस्ती अब रिश्ते में जरूर बदलने वाली है। वैवाहिक पारिवारिक स्तर पर भी ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे, तो महीने के आखिर में धन और पुत्र संबंधित कोई बड़ा समाचार सुनने को मिल जाए तो अचरज नहीं रहेगा। धनु राशि वालों, फिर भी फरवरी में आप बात बात पर गलतियां निकालने या लोगों को जरा भी ख्याल न रखने की प्रवृत्ति न अपनाएं, क्योंकि यह कड़ी मशक्कत, लगन व मेहनत से प्राप्त की हुई आपकी तमाम उपलब्धियों पर पानी फेर देगा। कुल मिलाकर फरवरी मंथ स्त्री पुरुष विद्यार्थी जातों के लिए महत्वपूर्ण और अच्छा रहने वाला है। आप देख रहे थे धनु राशि राशिफल फरवरी 2023। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।